तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आया, उसमें देखा कि सुसाइड्स बाय द स्टूडेंट्स हैज बीन राइजन बिटवीन 2020 एंड 21. इट मींस कि इन 2021 ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड एज कंपेयर टू इन 2020. ये न्यूज है, ठीक है. तो डाटा क्या है कि 2021 में 13,000 स्टूडेंट्स ने डेथ हुई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स एवरी डे, और 2020 में 12,526 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, ठीक है. और इनमें जो है 800 के राउंड जो है सुसाइड्स इज बीइंग बिकॉज ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन, ठीक है. और सिंस 1995 सबसे ज़्यादा बार सुसाइड्स जो है स्टूडेंट्स की 2021 में हुई, मतलब आप कह सकते हो कि 2021 में इतनी हाई सुसाइड्स हुई कि पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुई, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, और वीमेन स्टूडेंट्स की भी सुसाइड बढ़ी, ठीक है. और वैसे तो जो बॉयज़ हैं, मतलब जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उनकी सुसाइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है. और जो एससी एसटी या ओबीसी से हैं स्टूडेंट्स, उनकी भी सुसाइड बढ़ रही है, और सुसाइड जो है कोटा में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज कोटा इज़ अ हब फॉर आईआईटी एंड नीट एग्जामिनेशन, ठीक है. तो बेसिकली डाटा समझाने के लिए आपको बस एक ही फैक्ट याद रखो कि 2020 में 12,000 थी, 12,500 सुसाइड्स, 2021 में कितनी होगी, 13,000, बस, ठीक है. बाकी सब समझाने के लिए आप वो बाकी मर्जी आपकी कितने फैक्ट्स याद करते हो, बस एक ही याद रखो, बाकी बस थोड़े से ट्रेंड्स याद रखो कि बढ़ रही है ये, कि मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम है, कोटा में बढ़ रही है, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी में बढ़ रही है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो अब ये सवाल उठता है कि वाई स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड, वाई दे टेक सच एक्सट्रीम स्टेप ऑफ टेकिंग अवे देयर ओन लाइफ, ठीक है, फेलियर, ठीक है, फेलियर लाइक अभी क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी अर्ली एज पे ही जो है सब्जेक्ट कर दिया जाता है अबाउट द प्रेशर ऑफ कंपटीशन, दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ कंपटीशन एट वेरी अर्ली एज, है ना. पहले तो जो था कि प्लस टू के बाद आपको देना है, क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको एग्जाम देना है ना, नीट का या आईआईटी का. चलो क्लास ट्वेल्थ तक 18 साल का बच्चा हो जाता है, तो तैयारी कब स्टार्ट करता था, 11th में या 12th में. आजकल कब स्टार्ट कर रहा है, 9th में, 8th, 10th में, और 9th भी बहुत लेट बोल दिया, 6th से स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, 6th से ही बच्चे ले लेते हैं ना. अभी यहाँ पे भी कॉल सही थी मतलब काइज में कि मेरा बच्चा जो है 6th क्लास में है, यूपीएससी की तैयारी के लिए लेट तो नहीं हो गया, 6th क्लास में, बताओ. तो मैंने तो कहा था सर को कि एनसीईआरटी कोर्स में एनरोल कर देते, 6th 7th 8th तो जो है वही तो पढ़ा रहे हैं. तो इट्स टू अर्ली, यूपीएससी की तैयारी जो है ग्रेजुएशन में स्टार्ट करनी चाहिए. ग्रेजुएशन वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सेकेंड बेस्ट टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन है, ठीक है, जब भी आप आए, ठीक है. क्या चीज, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो उन्होंने मना किया होगा. मतलब ऐसा कुछ मना नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आए तब भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि लिमिटेशन क्या है कि जो ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं ना, एक तो उनको फिटीक हो जाता है इतने साल पढ़ते पढ़ते, स्टार्टिंग में तो जोश रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, ठीक है.
सेकंड में जो है बर्डन भी ले लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन को एंजॉय नहीं कर पाते, वो तो दोबारा नहीं मिलेगी है ना। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ये किताब वो किताब, ये कोचिंग वो कोचिंग, उस चक्कर में जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब सब जगह घूमा एक मिला कुछ भी नहीं है ना, वो हो जाते हैं उनके साथ। जो पोस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि टू गेट सक्सीड है ना, एंड टू सक्सीड टू गेट सक्सेस एज फास्ट एज पॉसिबल, तो उस चक्कर में वो पढ़ते हैं दिन रात है ना। दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रेशर ऑल्सो बिकॉज मेच्योर एज में आ रहे हैं। ग्रेजुएशन में आता बच्चा थोड़ा मेच्योर एज में नहीं आता, सो ही एंड ही और शी इज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर है ना। तो अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में लोगों को टाइम अच्छा मिल जाता है, कोचिंग अच्छे से उसकी हो जाती है ना, सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेता है, ऑप्शनल भी अच्छे से तैयार कर लेता है, सी सेट भी तैयार कर लेता है, प्रेशर नहीं होता। तो अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन में तैयारी करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आए तो भी सही है, ठीक है। सिलेक्शन सभी का होता है, 21 साल से लेके 32 साल तक के कैंडिडेट्स का सबका सिलेक्शन होता है, समझे। बट सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं पहले 3 अटैम्प्ट में, चाहे वो आप 22 साल की उम्र में दे रहे हो या 25 साल की उम्र में, पहले 3 अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट 3 अटैम्प्ट आर प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। लोगों को जल्दी होती है पहले अटैम्प्ट देने की, देख लेते हैं एग्जामिनेशन, वो फिर एग्जामिनेशन उनको क्या दिखाते हैं उनको बाद में समझ आते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे सुसाइड्स के बारे में कि एग्जामिनेशन का प्रेशर जो है काफ़ी अर्ली एज पे दिया जा रहा है, 6 क्लास तक के बच्चों को दिया जा रहा है। आइडली इट शुड बी गिवन टू क्लास 12 स्टूडेंट, कि अब 18 ईयर्स की एज तक पहुंचने वाला है, चलो अब वो प्रेशर को हैंडल कर लेगा, ठीक है। लेकिन दिया जा रहा है 6 क्लास के बच्चे को। फिर उसके बाद आपने कहा पीयर प्रेशर है ना, कई बार खुद के नंबर कम आते हैं उससे दुख नहीं होता, दूसरे के ज़्यादा आके उससे ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। खुद का सिलेक्शन ना होने से दुख नहीं होता, दूसरे का हो जाता है तब ज़्यादा दुख हो जाता है, ठीक है। तो डेट पीयर प्रेशर इज ऑल्सो देयर, दो तरह के पीयर प्रेशर चल रहे होते हैं ना, एक तो बहुत पढ़ रहा है उसका पीयर प्रेशर है कि तू क्यों नहीं पढ़ रहा, और एक दूसरा ऐश प्रस्ती कर रहा है वो भी एक पीयर प्रेशर रहता है कि तू ऐश प्रस्ती क्यों नहीं कर रहा। तो जो बच्चा है दोनों में फंस जाता है कि इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाता है पढ़ाई की तरफ तो उसको लगता है कि यार जिंदगी खराब कर रहे हैं, जब वो जिंदगी खराब करने जाता है कि पढ़ क्यों नहीं रहे, जिंदगी को क्यों नहीं संवार रहे, क्यों नहीं बना रहे, तो उसी डिलेमा में जो है फंसा रहता है बच्चा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बैलेंस, दोनों बाइक पे रखो पैर, बैलेंस से चलो, एक तरफ बाइक घूमगी इधर राइट और लेफ्ट आपका काम हो जाएगा। तो मेंटेन बैलेंस, और वो कैसे आएगा, फिक्स कर लो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। 6 से 10 के बीच में जो भी आपको सही लगता है आपके लिए उसको चूज़ कर लो, 7, 8, 9 जो भी है उसी को डेली पढ़ो। 8 घंटे मान लो जी आप पढ़ रहे हो है ना, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करें तो 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ो ही, ठीक है। 8 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे सो लोगे, बाकी 8 घंटे बचे 2-3 घंटे जो है खाना पानी नहाने धोने में लग जाएंगे आपके, फिर भी आपके पास 5-6 घंटे बचते हैं, उसमें आप बैडमिंटन खेलो है ना, जॉगिंग पे जाओ, या आपकी फेवरेट मूवी देखो, या कोई वेब सीरीज आपको पसंद है वो देखो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कौन मना कर रहा है आपको। देखो आप मत करना इंक्लूड, ठीक है। तो घर जाके आप 4 घंटे पढ़ पा रहे हो ना, जैसे जिस हिसाब से क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ऑप्शनल भी है, जीएस के सब्जेक्ट्स भी हैं, एनसीईआरटी भी है, करंट अफेयर्स भी है, एंड सो ऑन, अगर आप घर जाके 4 घंटे पढ़ पा रहे हो तो बहुत है, ठीक है। बस वो इंश्योर करना कि 4 घंटे सुबह के हो, सुबह सुबह पढ़ लो, वो 4 घंटे आपके 6 या 8 घंटे बन के निकलेंगे। क्लास में आने से पहले आपके मान लीजिए 8 बजे 9 बजे क्लास होती है, तो सुबह 5 से 8 बजे पढ़ लो, रात को जल्दी सो जाओ, ठीक है। तो वो 3 या 4 घंटे ही आपके 6 या 8 घंटे बन जाएंगे अपने आप, ठीक है, समझ आई। बाकी सारा दिन जो है क्लासेस में बिता लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो वही बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, कई बार बच्चे होते हैं ना ऐसे, आपने इफ यू हैव ऑब्जर्व कि
क्लास 12th तक जो है ना उनको माँ बाप बड़े कंट्रोल में रखते हैं कि स्कूल कितने बजे गया, स्कूल कितने बजे आया, कहाँ रह गया, कहाँ नहीं रह गया, ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया नहीं आया, स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ट्यूशन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब उसकी माइक्रो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। वो खेलने भी जा रहा है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं खेल के आया, एंड सो ऑन। बच्चे पढ़ाई में अच्छे भी होते हैं, निकल जाते हैं, कोटा भी चले जाते हैं। कोटा जाके मिलती है उनको फ्रीडम। उनको समझ आता है कि फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, तो उनको आज़ादी मिलती है और फिर वो जो है पढ़ाई से डिवर्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जो है 24 घंटे में 12 घंटे जो है वीडियो गेम ही खेल रहे हैं वहाँ पे, किसी गेम पार्लर में है, या वो स्नूकर खेल रहे हैं, ठीक है, या शराब चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब पढ़ाई के सिवा। ठीक है, इजन इट। तो इसीलिए जरूरी है माँ बाप के लिए भी कि बच्चों को ज़्यादा दबा के ना रखें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या उनके मनपसंद की एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ वीडियो गेम्स और वेदर इट इज़ प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटसाइड। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा रहने लग गए। ठीक है, वो सब उनको करने दें, उन पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। ठीक है, अदरवाइज अभी तो आप बच्चों को कंट्रोल कर लोगे लेकिन बाद में फिर वो ट्रैक लूज कर जाते हैं। अभी तो ट्रैक पर रख लोगे उनको कि बाद में वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। आपने काफ़ी देखे होंगे बच्चे ना जो कॉलेज तक बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में लाइफ में ट्रैक हो जाते हैं। कई लोग जो है ट्रैक जो है कॉलेज तक खो के, दे हैव लूज ट्रैक ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज डेज, बट बाद में लाइफ में ट्रैक पा लेते हैं एंड दे गेट सक्सेसफुल। कॉलेज में 60-70% मार्क्स आए थे बट लेटर ऑन दे हैव क्रैक IAS और दे हैव क्रैक द बिजनेस और वट एवर प्रोफेशन दे हैव क्रैक एंड दे हैव सक्सीडेड। तो पॉइंट ये है कि वेदर यू आर ऑन ट्रैक और whether you are keeping yourself on track। कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आप ट्रैक पे थे तब तक आपको सक्सेस मिल रही थी लेकिन बाद में आप ऑफ ट्रैक हो गए, देन यू आर गोइंग टू बी फेल्ड। तो पॉइंट ये है कि यू हैव टू कीप दैट बैलेंस थ्रू आउट योर लाइफ, यू हैव टू बी ऑन ट्रैक थ्रू आउट योर लाइफ। उसके लिए जरूरी है कि आप एक साइड टिल्ट ना हो, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी नहीं टिल्ट होना, बहुत ज़्यादा जो है ऐशोपरस्ती की तरफ भी टिल्ट नहीं होना, कीप दैट बैलेंस। इसलिए जो है वही 8 घंटे का फिक्स कर लो, बाकी जो आपका टाइम है उस पर आपको जो अच्छा लगता है वो करो। बस ये मेक श्योर करना कि पढ़ाई करते वक्त आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा और जब वो वाली एक्टिविटीज़ करें तो पढ़ाई की तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा। तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मुझे वो रिवाइज करना है, उसको मुझे टेस्ट देना है और सिलेबस देखना है, ये वो कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझे? तब आप सारी उम्र जो है ट्रैक पर रहोगे। क्लियर? फिर उसके बाद आपने कहा पेरेंट्स का भी अपना रोल है, क्योंकि समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट या उनके थॉट्स, उनके व्यू पॉइंट्स नहीं समझ पाते। कई बार करियर चॉइसेस फोर्स करते हैं, उसमें वो घुटा घुटा महसूस करता है कि तू IAS ही बन या तू इंजीनियर ही बन या डॉक्टर ही बन एक्सेट्रा, है ना? क्योंकि हमारी सोसाइटी में लिमिटेड करियर ऑप्शन है कि 4-5 ही सोचते हैं बस, डॉक्टर, इंजीनियर, CA या इंजीनियर और IAS, इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं है। अमेरिका में सबसे लास्ट में सोचते हैं, इसलिए हमारे CA, इंजीनियर, डॉक्टर वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन प्रोफेशन के बारे में सोचते ही नहीं है। दे विल थिंक कि कोई जो है डांसिंग में नंबर 1 होंगे, वो सोचेंगे कि स्केटिंग करेंगे हम, कोई कहेगा बिल्डिंग से जंप मारूंगा मैं, ठीक है, कोई कहेगा कि वर्ल्ड को ट्रैवल करूंगा, आई विल बी ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है, तो वो उल्ट पटांग से प्रोफेशन सोचेंगे बिल्कुल, इज़न्ट इट? तो इसलिए उनको जो है एम्प्लॉयमेंट की या करियर सेट करने की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती, बिकॉज दे हैव वाइड नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू देम फ्रॉम वेयर दे कैन चूज देयर करियर ऑप्शन, है ना? और वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, इसलिए जो कर रहे होते हैं उसमें उनको मजा आ रहा होता है। और फेलियर हो जाती है एग्जामिनेशन में, उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मुझे निकम्मा सोच लेगी, मुझे जो है इंटेलिजेंट नहीं सोचेगी, ठीक है, या सोच लेगी कि ही और शी इज़ गुड फॉर नथिंग, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ड्रग्स या इंटॉक्सिकेंट्स, सिगरेट, ड्रग्स या अल्कोहल कंजप्शन में चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू थिंक वट इज़ गुड और बैड फॉर देम, ठीक है, इसकी वजह से जो है दे समटाइम्स गेट
फाइनली टेक द स्टेप ऑफ सुसाइड, है ना। और मोटिवेशन मोरल कम रहता है बिकॉज ह्यूमन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो सिखाया नहीं जाता। ठीक है, ये कई बार फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, पेरेंट्स जो हैं किसी तरीके से जो है पैसे का अरेंज करते हैं उसकी एक्सपेंसिव कोचिंग की फीस के लिए, ठीक है, उसके स्टे के लिए इधर इन कोटा और दिल्ली और सो ऑन, ठीक है। और फिर पेरेंट्स जिताते भी रहते हैं कि ये कर्ज उठाया हुआ है बेटा तेरे लिए, या ये चीज़ गिरवी रखी हुई है तेरे लिए एंड सो ऑन। तो जब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसका प्रेशर ले लेता है दिमाग पे, उसको लगता है कि उसने अपने माँ बाप का जो है कीमती पैसा या कीमती प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुँचा दिया है, एंड देन ही और शी में टेक डिसीजन ऑफ एंडिंग अप हिज और हर लाइफ। ठीक है, और रिलेशनशिप इश्यूज भी आ जाते हैं, कच्ची उम्र होती है, ठीक है, दे गेट इनटू सम रिलेशनशिप्स, ठीक है, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स, ठीक है, और उसकी वजह से समटाइम्स दे टेक अप देयर ओन लाइफ। और कई बार रिलेशनशिप आप उसमें भी डाल सकते हो कि पेरेंट्स से अच्छा रिलेशन नहीं होता मैनी टाइम्स, ठीक है, वो भी जो है उनको अंदर ही अंदर खा रहा होता है, एंड फाइनली बस दे जस्ट एक्सप्रेस इट थ्रू एंडिंग अप देयर लाइफ। कैरियर मिसमैच हो जाता है, वट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी देयर कैरियर दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट, दैट्स व्हाई दे फील सो मच डिप्रेस्ड दैट दे एंड अप देयर लाइफ। बुलिंग हो जाती है, बुलिंग भी सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, रैगिंग डूलिंग, ठीक है, वो रहता है, क्योंकि वट एवर यू फील इन योर स्कूल्स वो आपके माइंड पे इतना डीप इम्प्रिंट करता है कि वो आपकी डेथ तक रहता है, मतलब इवन यू गेट ओल्ड, ठीक है, वो बातें आपके दिमाग में फिर भी रहती हैं, मतलब इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। लाइक बाय बुलिंग इफ यू आर बीइंग मेड टू बिकम सबमिसिव तो आप सारी लाइफ जो है सबमिसिव से ही रहोगे, समझे। इफ बुलिंग मेड यू टू लूज योर सेल्फ एस्टीम तब सारी उम्र जो है यू विल बी लो इन सेल्फ एस्टीम। इवन आप जो है अपने आप को बिल्ड कर लो, मान लीजिए उस सेल्फ एस्टीम को जो है रीगेन कर भी लो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसे होंगे जिसको दबाने से आप फिर से जो है लो इन सेल्फ एस्टीम फील करोगे, एंड दैट ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली विल बी ऑफ योर स्कूल डेज, समझे। तो इसलिए बच्चों को जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में समझाना चाहिए, दे शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, दे शुड नॉट ट्रीट अदर्स इन डीह्यूमनाइजिंग मैनर, ठीक है, दे शुड नॉट डिमीन अदर्स। हाउ टू बिल्ड कोऑपरेटिव कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशनशिप डेट नीड टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स, समझे, तो वो समझाने की बहुत जरूरत है क्योंकि वो चीजें मरते दम तक आपके साथ रहेंगी। ठीक है, वो देखा ना वो थ्री इडियट्स में, वही तो वो फेस कर रहा था चतुर रामालिंगम, कि जो उसके साथ कॉलेज में हुआ इट हैज लेफ्ट डीप इम्प्रिंट इन हिज माइंड, और सक्सेसफुल होने के बाद भी वो उस चीज को लेकर घूम रहा है, एंड दैट्स ट्रू। और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है वैसे मूवी में, अगर मूवी देखोगे वो सिर्फ एक ही जगह रॉन्ग है कि एग्जाम से पहले जो है मैगजीन ट्रांसमिट कर देता है ताकि अगलों के नंबर कम आए, अदरवाइज इफ ही इज गुड इन एकेडमिक्स, इफ ही इज गुड इन रोट लर्निंग, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट आमिर खान हैज, ठीक है, तुरको समझ आता है तो साइंटिस्ट बन, उसको समझ कम आता है लेकिन ही इज गुड इन मेमोरी तो वही इंप्लॉई बन गया किसी कॉर्पोरेट में, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है मेंटल उतना तो कमा रहा है ना वो, समझ रहे हो। लेकिन चलो वो गलत दिखाया था कि दैट वाज अनएथिकल ऑन हिज पार्ट कि वो एग्जाम से पहले जो है अदर्स को डिस्टर्ब कर रहा है सो दैट ही कुड बिकम टॉपर, वो गलत था। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो कॉलेज में होता है वो लाइफ लॉन्ग जो है आपके डीप इंप्रेशन डालता है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी एडवाइस है कि जब आप यहां से जाओ, जब आपका बैच खत्म हो, तो आपके साथ ऐसे दोस्तों जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो। इवन मैं आपको बताऊं कि जैसे ओल्ड एज में लोग बहुत डिप्रेशन फील करते हैं, व्हाई, लोनलीनेस होती है ना, वो क्यों होती है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में एक ऐसा बंदा जो है दोस्त नहीं बना पाते जो उनकी बात को एक्सेप्ट करे, बस कि मान लो आपने कोई गलत बात भी कही, ही इज एक्सेप्टिंग दैट पॉइंट ऑफ योर्स इवन इफ यू आर रॉन्ग, बिकॉज इट इज द पॉइंट
दिस इज द पॉइंट बींग टोल्ड बाई यू, ये बात आपने कही है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है बस, चाहे वो उससे एग्रीड है डिसएग्रीड है वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास जिंदगी में ऐसा एक बंदा भी है तो आप कभी डिप्रेस फील नहीं करोगे जिंदगी में, एक बंदा ऐसा है। आपने वो देखी है मूवी सोनू की टिट्टू की छुट्टी, उसमें जानते हो सबसे बढ़िया कैरेक्टर क्या दिखाया है, वो जो उसका दादा है, हाँ घसीटाराम, घसीटाराम सबसे बेस्ट कैरेक्टर दिखाया वो मूवी में। हाउ, उसको आप पूरी मूवी में स्ट्रेस में नहीं देखोगे, वट एवर इज हैपनिंग इन द फैमिली ही इज नॉट बोदर एट ऑल। वाई? बिकॉज उसके पास एक बंदा है जो उसकी बात सुनता है, उसने जो बात की उसको सुन लेता है, लालू है ना। तो उसके पास वो लालू है, और देख लो वो लालू सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको उसकी सीट पे किसी और को बैठ नहीं देता। जब वो कार्तिक आर्यन बैठ जाता ना, उसको बड़े डांट से बैठता है कि लालू की सीट है कैसे बैठ गया तू, है ना, इफ यू हैव ऑब्जर्व दैट सीन, है ना। उसको अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे देता है ना, उसको पूरा मनाता है करता है, और उसके सामने कोई भी बात करता है उसको वो जज नहीं करता, उसको सुनता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे उससे एग्रीड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बात घसीटा ने कही है तो बात सही कही है बस। एंड सेम अप्लाइज टू घसीटा ऑल्सो, कि बात लालू ने कही है तो सही कही है, और वो पूरी फिल्म में स्ट्रेस में नहीं है कि बेटा गलत लड़की से ब्याह कर रहा है, करने दे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पैसे उड़ा रहे हैं उड़ाने दे, बाद में शादी टूट गई टूटने दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है, अपने वो शाम को लगा रहा है लिटिल लिटिल विद लालू, बस हैप्पी है। तो फाइंड दैट लालू इन योर लाइफ, सच में सारी उम्र खुश रहोगे आप अगर आपने एक वो लालू ढूंढ लिया। अब ये कहोगे लड़कियों को तो लल्लू मिल जाता है, ठीक है, लड़कों को नहीं मिलता, समझे। तो इसलिए कह रहा हूं कि फाइंड योर लालू इन योर लाइफ, लल्ली मिले ना मिले लालू जरूर ढूंढ लेना, ठीक है, समझे। एंड यू विल नेवर फील डिप्रेशन इन योर, नेवर, समझे। तो यही लालू देने की जरूरत है स्टूडेंट्स को भी, टीच करने की जरूरत है कि दे नीड टू फाइंड अ लालू इन देयर लाइफ, ठीक है, समझे। उसके बाद जो है इशू आते हैं साइबर बुलिंग के भी, पीपल आर नाउ लिविंग अ डिजिटल लाइफ, है ना। आजकल तो लोग जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं ना, हर चीज डिजिटली डॉक्यूमेंट करते हैं कि आज हमने ये किताब पढ़ी, आज मैं लाइब्रेरी गया, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, ठीक है, आज मैंने ये किताब खरीदी, आज उस पर मैंने ये नाम लिख दिया, ये लाइन अंडरलाइन कर दी, ठीक है, और उसकी वीडियो बना बना के अपलोड करी जाएंगे, और उसने तो की चलो वो तो फ्री था, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसको देखने वाला कितना फ्री था, ठीक है, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो पीपल आर लिविंग डिजिटल लाइफ एंड दे समटाइम्स फील बुलिंग और सोशल मीडिया प्रेशर आल्सो ऑन देयर माइंड, ठीक है। सब्सटेंस यूज रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लैक ऑफ सपोर्ट्स भी आ जाएगा, एजुकेशनल हब्स में है ही नहीं कि कोई काउंसलिंग करे, उनकी मेंटल काउंसलिंग करे या सोशल काउंसलिंग करे कि बच्चों को बताएं, ठीक है। आपने देखा कि दिल्ली में सुसाइड्स कम होती है, मतलब आईएएस की प्रिपरेशन में सुसाइड्स कम होती हैं, व्हाई? मैच्योरिटी होती है, जितना प्रेशर आप फील कर रहे हो, जो इतना प्रेशर आप फील कर रहे हो वो आईआईटी के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट फेस नहीं कर रहा। अगर यही एग्जाम जो है आपको आपका जो है 18 ईयर की एज में कराया जाता है, कॉलेज के दौरान कराया जाता है ना, तो आपके ये एग्जाम क्लियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। यू आर फेसिंग मच मोर प्रेशर देन योर काउंटर पार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आईआईटी एग्जामिनेशन, बट स्टिल दे डू सुसाइड्स, बट वेरी रेयरली और वेरी लेस इन नंबर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डू द सुसाइड। Why? देखो क्या है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, जैसे सोशल प्रेशर भी है सक्सेस होने का ना, मैरिटल प्रेशर भी है शादी करनी है जल्दी, है ना, देन एग्जामिनेशन प्रेशर भी है, और आपके पास पीयर प्रेशर भी ज्यादा है कि आपके साथ वाले कामयाब होते दिख रहे हैं आपको, है ना। लेकिन आपके साथ क्या है ना, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है,
क्योंकि कह लो कि आप ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स बिकॉज यू आर नॉट लिविंग योर ड्रीम बट ऑल्सो योर पेरेंट्स ड्रीम, तभी जो है आपको वो 30 साल तक की उम्र तक सपोर्ट करी जाएंगे, मे बी विलिंगली और अनविलिंगली, लेकिन वो सपोर्ट जरूर करते रहेंगे। इवन आपका मान लीजिए अटेम्प्ट खत्म हो जाए, ठीक है, फिर भी बोल देंगे कोई नहीं बेटा, वी आर देयर फॉर यू। स्टेट पीसीएस के अगर आप यूपी भी आते तो फिर तो वही बोल देंगे, स्टेट पीसीएस में लग जाओ, वरना बोल देंगे कि मूव ऑन, फाइंड अ न्यू ऑप्शन इन योर लाइफ एंड जस्ट फोकस ऑन डेट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये भी आप सोल्यूशन डाल सकते हो कि दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एट वेरी यंग एज फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू बी काउंसल्ड हाउ टू ट्रीट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, समझे? हाँ, वो भी उसी पे है कि पेरेंट्स काउंसलिंग पे ही है ना, कि बैड पेरेंटिंग ऑल्सो कुड रिजल्ट बैड कॉन्सिक्वेंसिस इन चिल्ड्रंस लाइफ। ठीक है, समझे? और ज्यादातर आपने देखा होगा ना कि आईआईटी नीट वालों को भी एग्जाम निकल जाता है सिविल सर्विस कंपनी, उसका क्या रीजन है? बिकॉज वो ना इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से जा चुके होते हैं, मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रेशर से जा चुके होते हैं। आर्ट्स वाले कई बार इसलिए नहीं निकाल पाते कि पहले 2-3 अटेम्प्ट होते हैं, उनको ये समझाता है कि वट इज कम्पिटिशन, हाउ कम्पिटिशन नीड टू बी डेल्ट, ठीक है, हाउ टू अप्रोच कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाउ टू रेफर बुक्स एंड हाउ वट टू डू इन द फाइनल डी डे ऑफ द एग्जामिनेशन, उनको 2-3 अटेम्प्ट तो इसी में निकल जाते हैं, समझे? लेकिन जो आईआईटी वाले होते हैं या नीट वाले होते हैं वो इस चीज से जा चुके होते हैं, उनको वैक्सीनेशन लगी होती है, ठीक है, और ना सिर्फ उनको लगी होती है, उनके पेरेंट्स को भी लगी होती है कि अगर मान लीजिए पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता ना, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें बेटा तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, उनको पता है कि आईआईटी भी इसके दूसरे अटेम्प्ट में ही हुआ था लेकिन हो गया था, ठीक है, कर लेगा ये, तो आईआईटी निकाला है या एनआईटी निकाला है तो ये भी निकाल लेगा, समझे? तो वही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ देखें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो भी आपको लेस टेंस दिखेंगे या लेस टेंशियस दिखेंगे, तो स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो जाती है, नेवर गिव अप डाउन एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, एंड डोंट टेक योर विन और लॉसेस सीरियसली वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाती है, और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, बिकॉज जो हारमोन्स रिलीज होते हैं वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स दैट कीप्स यू हैप्पी, ठीक है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करो, बिकॉज दैट रिलीज सर्टेन हार्मोन्स इन योर ब्रेन दैट कीप्स यू हैप्पी एजिल एंड हैप्पी एजिल अलर्ट एंड एक्टिव। ठीक है, तो कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करो, डिवोट एटलीस्ट 30 मिनट्स और 1 आवर टू फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो, एंड दैट शुड बी डन डेली बाय यू, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो क्या है ना कि मेहनत कौन कर रहा है, सिर्फ आपका दिमाग कर रहा है ना, अगले 2 साल तक सिर्फ आपका दिमाग ही मेहनत करेगा, मैराथन कौन लड़ रहा है, चल रहा है, मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक मैराथन है, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन एक मैराथन है, तो मैराथन वो चल कौन रहा है, आपका दिमाग, तो उस दिमाग को रिफ्रेश रखना, ठीक है, वो आपकी जिम्मेवारी है, डेट इज गोइंग टू कम थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, या आप अर्ली मॉर्निंग जो है फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हो, ठीक है, और उसके साथ पॉजिटिवली बात कर रहे हो, क्योंकि मेहनत तो उसको करनी है ना, उसके साथ नेगेटिवली क्यों बात करते हो, बिकॉज अ पर्सन टॉक्स टू हिमसेल्फ आल्सो, देर इज अ पर्सन इनसाइड यू आल्सो विद हुम यू टॉक 24/7, तो जब उससे बात कर रहे हो आप उससे पॉजिटिवली क्यों नहीं बात करते, वाई आर यू ट्रीटिंग इन बैड मैनर योर, वाई आर ट्रीटिंग योर सेल्फ इन बैड मैनर, है ना, वाई आर यू ट्रीटिंग योर सेल्फ इन रिस्पेक्टफुल मैनर, तो अपने आप को तो अच्छे से बात करो, अपने आप से बात करनी है तो पॉजिटिवली बात कर लो, क्योंकि दो ही तरह के थॉट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दो ही तरीके से बात करोगे अपने साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वाई डोंट यू टॉक विद योर सेल्फ इन पॉजिटिव मैनर, वाई जो आपके अंदर बंदा बैठा है उसको आप डर डालते हो उसके दिमाग में, है ना, उसके दिमाग में डाउट्स डालते हो कि तेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, क्यों उसके दिमाग में डर डाल रहे हो, उससे पूछ लो कि यार पेपर डिफिकल्ट आ गया तो तेरी क्या स्ट्रेटजी है, वो अपने आप आंसर ला के देगा, पॉजिटिव टॉक करो ना, उससे पूछ लो कि अगर नहीं हुआ इस बार एग्जामिनेशन तब क्या करेगा,
वो आपको अपने आप आंसर लाके देगा, समझे? और आप उसको जैसा ट्रीट करोगे वो आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। इट्स लाइक जैसी करनी वैसी बननी। सो डोंट मिसबिहेव विद योरसेल्फ, ठीक है? साइबर बुलिंग पे हम एक्शन लें, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स रखें, ठीक है? और इंटरपर्सनल सपोर्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिखाएं बच्चों को, फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करें, फैमिली काउंसलिंग भी करें, तो ये सब आप डाल सकते हो। ग्लोबली वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे चलाया जाता है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसकी थीम है, ठीक है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद इंडिया ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था, किरण स्कीम है जहाँ पे आप जो है कॉल करके जो है मेंटल हेल्थ आप जो है काउंसलिंग हेल्प ले सकते हो, और स्पेशली जो है अगर आप कोई भी मेंटल डिसऑर्डर फेस कर रहे हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा फेस कर रहे हो। मनोदर्पण स्कीम है, वो COVID-19 के दौरान चलाई गई थी क्योंकि उस दौरान जो है काफ़ी मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे थे, ठीक है? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है, उसमें हेल्पलाइन भी है, उस पर कॉल करके जो है आप जो भी सुसाइड कर रहे हो उसकी बात करा सकते हो ताकि उस बात करने से वो सुसाइड का आइडिया छोड़ दे, ठीक है? क्लियर है?